दासी? क्या हुआ दासी? और अंदर भाई को कमरे में क्या कहना चाह रही थी आप? आज तक तो सुना था कि दीवारों के कान होते, आज मालूम हुआ कि उसकी जुबान भी होती। पता चल गया ना आपको, तो आप ये बात भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इस घर में जो कुछ भी होगा सब कुछ मेरी जिम्मेदारी। यहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसे जानना मेरा हक है, और इस घर में कुछ भी गलत मैं होने नहीं दूंगी। 7 साल पहले इस घर में गलत हो गया आलिया। गलती नहीं थी, she deserved it। उसने मेरे भाई के दिल और दिमाग को अपाहिज बना दिया था, इस घर पर ग्रहण बन के लगी हुई थी। और दासी आप ये सब कुछ कह रही? अच्छे तरीके से याद है कि उसकी वजह से हमने दादी को खोया था। 7 साल तो क्या, मेरा बस चलता तो बहुत पहले उसे इस घर से बाहर निकाल देती, पर अभी की यादों से इसे नहीं निकाल सके ना आलिया। 7 साल तो क्या, 17 साल भी अगर प्रज्ञा को गए हुए होते तब भी अभी उससे इतना ही प्यार करता। मैंने सुना था कि वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन इस प्रेम रोगी जख्म को नहीं भर सका। आज भी अभी प्रज्ञा से प्यार करता है। गलतफहमी है आपकी दासी, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई आज कहाँ पहुंच चुके हैं। You know, he doesn't have time for all this nonsense. आज की डेट में भाई का करियर, उनकी इमेज, उनके एसेट्स 10 गुना बढ़ चुके हैं, all because of me. तो प्रज्ञा के बारे में सोचना तो उनके लिए एकदम टाइम वेस्ट है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई कितने बदल चुके हैं? नहीं आलिया, तूने अभी को बदला नहीं है, उसे पत्थर बना दिया जिससे उसकी अंदर की तकलीफ बाहर दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज दिखाई नहीं देती वो होती नहीं, अभी तकलीफ में है। सच जानना चाहती है ना तो जाके अभी के सामने कॉफी की बात कर, देख कैसे सुबह उठता है वो, क्या वो अपनी पसंद के कपड़े निकाल पाता है। सुबह से लेकर शाम तक उसे सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा की जरूरत महसूस होती है, हर वक्त वो उसकी यादों में खोया रहता है। अभी को तो सालों हो गए बदले हुए, प्यार ने उसे बदल दिया था। वो चाह कर भी ना तुम जैसा नहीं बन सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बहला रहा है, वो अपने दुख को छुपा रहा है। सच्ची है आलिया कि वो आज भी प्रज्ञा से प्यार करता है। मैं नहीं जा सकती, कियारा है यहाँ। ओके ग्रेट, तो हम तीनों दिल्ली जाएंगे। कियारा का स्कूल? दिल्ली में भी बहुत से अच्छे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं प्रज्ञा, तो फिक्र मत करो, मैं सब देखूंगा। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, कुछ महीनों के लिए सब कुछ शफल करना। कुछ महीनों की बात है इसलिए कह रहा हूँ, और मैं बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहता, तुम जानती हो मेरा फोकस काम पर रहता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा और फोकस हो जाता है। तुम वहाँ रहोगी तो मेरा काम पर ही फोकस रहेगा, मैं अच्छा काम करूंगा, और अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, राइट? ठीक है, लेकिन नो, लेकिन I have decided you have to come with me. तुम मेरा काम इतने अच्छे से संभाल लेती हो, now I can't do without you. तुम्हें मेरे साथ हर सिटी, हर कंट्री, हर टूर पे आना ही चाहिए। Actually, इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको कई कंट्री और सिटी विजिट्स पे जाना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड दैट यू नीड मी, मैं हर जगह जाऊंगी आपके साथ, बस मैं मुंबई नहीं जाऊंगी। मुंबई इज अ रॉकिंग सिटी प्रज्ञा। ओह, मुंबई में तुम्हारा कोई एक्स बॉयफ्रेंड है जिसे तुम फेस नहीं करना चाहती?